हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायजा लेते हैं। और एक कॉइन जो है थोड़ी सी नज़र में आ रही है, एक बहुत क्विक वीडियो है ये। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ एल्गो जो है इन पेयर ऑफ USDT था, इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र रखो, क्योंकि इसकी प्राइस अच्छी खासी हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं और इसके साथ इसके कुछ नए अपडेट्स भी आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं थोड़े से बता देता हूँ। तो अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं महीने के लिए, या हो सकता है उससे जल्दी भी अच्छी खासी हमको रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो 18 तारीख के आसपास यहाँ पे एक अच्छी खासी एक पंप आई थी, जो प्राइस था 1.65 से लेके लमसम कह सकते हैं कि 2.98 के आसपास गया था, ठीक है। और राइट नाउ यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, आप देख सकते हो। और ये जो लेवल है एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है। और मेरा जो टारगेट है वो नियर अबाउट 3+ है, या 3.7 के आसपास मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एल्गो को। जो लोग स्कैल्पिंग का सोच रहे हैं तो भी आसानी से 50-60 यहाँ पे मिल सकता है। इस चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे स्क्वीज करता हूँ और यहाँ पे ये वीकली चार्ट बना दिया इसको, और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है कि नीचे से लेके 1 तक हम जब क्रॉस करते हैं तो प्राइस जो है वापिस से थोड़ा सा नीचे आके इसका जो टारगेट है वो फिबोनाची का 1.618 के आसपास गया है, ठीक है। यानी कि 0 से लेके हमने 1 तक यहाँ पे ड्रॉ किया, थोड़ा सा नीचे गया, टारगेट 1.618। और सेकंड फिबोनाची भी हम देखते हैं तो वो भी इसका जो टारगेट था 1.618 के आसपास आया था, वापिस से जो हम यहाँ पे देख रहे हैं नीचे से लेके 1 तक ड्रॉ किया है। थोड़ा बहुत प्राइस यहाँ पे नीचे रिट्रेस हो सकता है, बट इसका जो टारगेट है वापिस फिबोनाची का 1.618 के आसपास, जो 3.7 के आसपास जा सकता है। अब यहाँ पे एक अच्छी खासी एक न्यूज निकल के आई है, जिसकी वजह से इसमें थोड़े समय अच्छा खासा पंप देखने को ये मिल रहा है। एक एग्रीमेंट हुआ है एल सेल्वाडोर जो गवर्नमेंट है उसके और एल्गोरेंट के बीच में, ये कि जो कंट्री का इकोसिस्टम होगा, ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होगा वो तैयार होगा पूरा एल्गोरेंट के ऊपर, ओके। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, जिसकी वजह से प्राइस में पंप मिल रहा है हमें देखने को। यहाँ पे आप ये सारी न्यूज़ वगैरह पूरी पढ़ सकते हैं इन डिटेल। उसके साथ ही एल्गो मिंट करके है, वो भी 1 वीक के अंदर स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे कुछ गवर्नेंस टोकन जो होंगे वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और कुछ प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो भी यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं मेरे ख्याल से भाई फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 के आसपास। तो ये जस्ट एक क्विक अपडेट है दैट यू शुड कीप एन आई ऑन एल्गो, और इसके अंदर हम प्राइस में अच्छा खासा एक ऊपर की तरफ चढ़ाव देख सकते हैं। और BTC जो है वो भी अगर अच्छा खासा स्टेबल हो जाती है, 60,000 से ऊपर की तरफ आती है, तो हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, और उसका फ़ायदा जो होगा एल्गो जो होगा वो भी लेगा, उसकी प्राइस हम ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे प्राइस में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ सकती है, यानी कि प्राइस में थोड़ा बहुत सेल ऑफ होता है तो प्राइस नीचे आ जाएगा, बट यहाँ पे हम एक यू कर्व की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस से थोड़ा बहुत ऐसे करके ये ऊपर की तरफ जा सकता है फिबोनाची 1.618 के आसपास, ठीक है। तो ये एक क्विक अपडेट था ऑन एल्गो, चार्ट्स को देख लेना, और आपको अगर सही लगे तो इसमें छोटा मोटा निवेश कर सकते हैं। याद रखिए कभी भी पूरा इन्वेस्टमेंट किसी भी एक कॉइन के अंदर नहीं करना है, ठीक है। हमें डाइवर्सिफाई करना है ताकि मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट हम निकाल सकें। ये क्विक अपडेट था, इसके बाद और भी कुछ न्यू अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।